नवाज शरीफ को बांधने की धमकी किसने दी? शहबाज शरीफ का ब्लड प्रेशर क्यों लो हो गया? अगर नवाज शरीफ की हुकूमत आई तो कितना अरसा चलेगी? शहबाज शरीफ आए तो कितनी देर वजीर आजम रहेंगे? साबित वफाकी वजीर फैसल बौटा ने तहलका मचा दिया। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए फैसल वाडा ने कहा कि नवाज शरीफ के लंदन में नए इलेक्शन बयानी के बाद शहबाज शरीफ को जो पैगाम दिया गया है उससे उनका ब्लड प्रेशर लंदन जाते ही लो हो गया था। नवाज शरीफ को दो टोक पैगाम भिजवाया गया है कि पिछली दफा जहाज में बांध कर भेजा था, अब बांध कर यहीं रखेंगे। फैसल वाडा ने कहा कि नवाज शरीफ ने जो बयानियाँ बनाने की कोशिश की इसमें एक बार फिर जहर, बुगज और नफरत नजर आई। ये 18 सियासी पार्टियों के लीडर्स करप्ट सियासी लोगों का बौसीदा जमहूरी जनाजा लेके फिर रहे हैं। मुल्क में जो कुछ हो रहा है इन्हीं की वजह से हो रहा है। सब कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट का रोल है, जुडिशरी का रोल है। जुडिशरी को आपने वीडियोस बना बनाकर ब्लैकमेल किया है, अपने मनपसंद केसेस कराए। दूसरी तरफ किसी भी चीफ का नाम ले लें, हर किसी के साथ इनकी लड़ाई है। फैसल वाडा ने कहा कि अब की बार नवाज शरीफ को बता दिया गया है कि अपनी औकात में रहना, इतना फुदकें जितना फुदक सकते हैं। अब बयानात से काम नहीं चलेगा, मंशूर देना होगा। आज डॉलर नीचे आया, महंगाई कुछ कम हुई, तो क्या आर्मी चीफ के पास जादू की छड़ी है? नहीं, आर्मी चीफ की नीयत करप्शन करने की नहीं, केकड़े की चाल चलने वाली ये 18 पार्टियां ही सबकी जिम्मेदार हैं। ये ठीक से खड़े नहीं हो सकते, आईफोन तक नहीं चला सकते। अब कहते हैं हमारे नालायक बच्चों को भी बर्दाश्त करो। फैसल वाडा ने दावा किया कि नवाज शरीफ अगर वजीर आजम बनते हैं तो 11 से 13 महीने में हुकूमत फारिग हो जाएगी। अगर शहबाज शरीफ आए तो 17 महीने। शहबाज शरीफ ने न्यूट्रल पॉलिश का इंतखाब किया जो ज्यादा देर नहीं चलती।